नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और ये बड़ी खबर अमेठी से है। इलाज दौरान युवती की लखनऊ में मौत, अमेठी की युवती के आत्मदाह के प्रयास का मामला। इलाज के दौरान सिविल अस्पताल में युवती की मौत, गुंडों की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आग लगाई थी। गुंडों ने पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी। अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र इलाके की जियापुर गांव की रहने वाली थी मृतिका। घटना के संबंध में बाइट देते अमेठी अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमेठी से ब्यूरो की रिपोर्ट। थाना शिवरतनगंज के ग्राम जियापुर का मामला है। दिनांक 20/11/2020 को एक लड़की पेट्रोल स्टॉक करके आग लगा करके जल गई थी। उसके भाई ने 20/11/2020 को मुकदमा पंजीकृत कराया अपने ही गांव के एक मोहम्मद जमीन उर्फ बबलू के खिलाफ। उसमें लिखा है कि उसकी बहन को वह फोन के माध्यम से शादी करने का दबाव बनाता था। बबलू इस समय बंबई में रह रहा है और इसी के साथ साथ उसके तीन भाई जिसमें वसीक और राजू आसिफ, ये तीनों भी दबाव बनाते थे कि यदि पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया तो हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तो इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना शिवरतनगंज में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इनमें से वसीक और राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद जमीन और आसिफ की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना की गई है। पीड़िता की मृत्यु बलरामपुर अस्पताल में हो गई है। उसकी बॉडी यहाँ आ रही है, सरेदर्श सामान है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।